हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर जो चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली है पहले वाली इसकी, और उसमें क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस, वो चीज हमने सीखी। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और चाप, इन सब के बारे में सीखा कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। एक दो क्वेश्चंस भी अभी तक प्रैक्टिस किए हैं। एक बार फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत ही जरूरी है, इस चैप्टर के लिए यही कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आने वाला है। फिर से रिवाइज करते हैं और फिर से उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो आपने कल समझा था जैसे कि भाई त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, और इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ। तो देखिए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हुआ पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, और जो आपका वृत्तखंड है उसका फॉर्मूला हुआ क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमने किया था, देखिए वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ये है जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसी का हमने ये पार्ट लिया है, और उसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आप माइनस कर देंगे उसमें से। तो इसमें भी दो होते हैं, एक तो लघु वृत्तखंड होता है और एक जो बड़ा वाला है उसको दीर्घ वृत्तखंड आप बोलेंगे। उसके बाद चाप की लंबाई, ये तो सिंपल है, चाप की लंबाई क्या करेंगे, जो लेंथ ऑफ आर्क इसको बोलते हैं, और होता है फॉर्मूला इसका 2 पाई आर थीटा बाय 360 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये रिवाइज कर लिया है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले तो वो हम देखेंगे। उदाहरण है ये, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पाई का प्रयोग आपने करना है 3.14। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और कोण है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सेंटर से त्रिज्या बनाते हैं, इसका कोण है 30 डिग्री, और जो ये त्रिज्या है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको कि इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसका बताएंगे आप, जो यहाँ पे ये गिवन है ना, देखिए ये त्रिज्याखंड गिवन है आपको, तो इसका आप क्षेत्रफल बताएंगे। कैसे बताएंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये आप ट्राई करके देखिए, फिर हम साथ साथ करेंगे, ट्राई करके मुझे आंसर बताएं। जिसका भी आंसर आता है आप अपना आंसर शेयर करें। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है ये देख लीजिए, एक तो त्रिज्या गिवन है, त्रिज्या यानी रेडियस आर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और कोण यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, उसको थीटा बाय 360 ऐसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है,
बटे 360 इंटू 3.14, और आर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ये देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे 12 आ सकता है। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, ये है कैंसिल आउट, इसको कर सकते हैं, 4 3 12 यहाँ पे आ जाएगा, और 3.14 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.56 बटे 3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको डेसिमल में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 बच गए, और 3 8 24 अप्रोक्स, या लगभग आप बोल सकते हैं। ये इसका क्षेत्रफल आया है, कौन से वाले का, जो आपको कोण दिया गया है उस सेक्टर का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने निकाल दिया। एक और चीज हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है कि भाई दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं, एक तो भाई हमने क्या कर लिया, जो छोटा वाला त्रिज्याखंड है उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे सेक्टर का क्षेत्रफल जो हमने अभी निकाला है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा उसका एरिया आ जाएगा। देखिए पूरा वृत्त है, उसमें से हमने इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं संगत दीर्घ त्रिज्याखंड क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस जो आपको यहाँ पे इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया है वो माइनस कर देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, और माइनस कितना है, इसका आया है 4.18। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 4 चौक 16 माइनस 4.18, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा आपका। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, जो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है इसको एक और तरीके से आप एक और मेथड से निकाल सकते हैं, वो क्या है भाई, इसका हम थीटा पता कर लेंगे, कोण पता कर लेंगे, कितना होगा, ये कितना है, 30 डिग्री है, और पूरा जो सर्कल का सेंटर में कोण बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब बताइए 360 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 330 डिग्री यहाँ पे बच जाएगा। तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा कितना आ गया, 330 बटे 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि
कि कौन सा मेथड आपके माइंड में आता है उसमें। इसको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये कवर करेगी। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे कि घड़ी की मिनट की सुई किस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये एक घड़ी हो गई, ठीक है, इसकी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 14 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको बताना है। तो अगर ये 12 है और ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होंगे, 5 मिनट हो जाएंगे। तो ये जो क्षेत्रफल इसने कवर किया है, ये इतनी देर में इस सुई ने जो क्षेत्रफल कवर किया है वो आपको बताना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हमें थीटा का अगर पता होगा तो हम निकाल पाएंगे। ये थीटा हमें पता करना है कि थीटा क्या है, क्योंकि रेडियस हमारे पास है और थीटा भी आ गया तो जो सेक्टर है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, हमें ये पता है कि 60 मिनट में कितना कोण बनाती है घड़ी की सुई। ये बताइए जो घड़ी की सुई है वो 60 मिनट में कितना कोण बनाती है। 60 मिनट में तो ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यहां से शुरू होके यहां से स्टार्ट करें तो घूम के ये वापस यहीं पे आ जाती है, और कितना कोण बना लेती है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 मिनट में भाई 360 डिग्री का कोण ये बनाती है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360/60 डिग्री। और 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, हमें तो 5 मिनट का कोण निकालना है, तो 360/60 और इंटू 5 आप कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 6×5=30 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे आ गया 30 डिग्री, थीटा आ गया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आप कितना लेंगे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, तो आप 22/7 पाई लेंगे। उसके बाद आर कितना है, 14 का स्क्वायर, या फिर 14×14 आप इसको लिख सकते हैं। आगे कैंसिल आउट इसको करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 7×14 इसको आप फर्दर इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं जब तक ये कैंसिल आउट होते हैं। फिर से 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इनको 14 और 11 को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 154। कैसे, 14×10 140 होता है, और उसमें आप 14 प्लस कर सकते हैं तो ये 154 आ जाएगा, 14×11=154/3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्या ये 154 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, आप जो भी मेथड है यूज करके देख सकते हैं। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाता है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको करेंगे बच्चों, आप नोट डाउन कर लें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक आप इसको नोट डाउन करें, फिर से मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे हुआ है, इसको नोट डाउन करके अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने।
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 160 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने एक्स्ट्रा चीज आने वाली है, तो एक बारी हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या निकालना है सबसे पहले तो वो देखेंगे, क्या यहाँ पे निकालना है। तो दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा कोण दी हुई है यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है यहाँ पे, और भाई यहाँ पे कोण गिवन है, कोण दिया हुआ है ये 60 डिग्री का कोण है। और क्या दिया है यहाँ पे, एक जीवा है, ठीक है, यहाँ पे ये कोण हमने खींच दी है। तो ये जो मैंने एरिया मार्क किया है ये क्या है, ये वृत्तखंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। तो जो मैंने यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये एरिया मार्क किया है ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। और इसके जो दूसरा एरिया बच गया, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, जो ये एरिया है ये तो हो गया लघु वृत्तखंड, और जो ये वाला एरिया है ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। इन दोनों के क्षेत्रफल हमें निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, एक लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। अब देखिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला हमने सीखा था, लघु वृत्तखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड हो। तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हम ये 2 बारी कर चुके हैं इसके फॉर्मूले, आपको किसी को याद हुआ अभी तक? अगर नहीं याद है तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि याद जरूर कर लें इस फॉर्मूले को, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ये जो फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कुछ जाना पहचाना लग रहा है फॉर्मूला? ये तो आप बोलेंगे कि भाई त्रिज्याखंड का फॉर्मूला है। हाँ वही है, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा आप रखेंगे, जो 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 यहाँ पे वैल्यूज आपके पास हैं, तो देखिए थीटा कितना है, 60 डिग्री है, इंटू पाई कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 आप यूज करेंगे, इंटू आर स्क्वायर कितना है, आर यहाँ पे कितना दिया होगा, तो देखिए आर यहाँ पे 15 दिया हुआ, तो 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर और साइन थीटा यानी साइन 60 आप इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, साइन 60। अब कुछ नहीं है बच्चों, देखिए ये 15 जो है ये यहाँ से कॉमन आ सकता है आपका, और साइन 60 क्या है, साइन 60 की आप वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कितनी है, √3/2, इनकी वैल्यूज रख के आप इसका आंसर निकालेंगे और इसको आप कंप्लीट करके लाएंगे होमवर्क में, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। लगभग सारा काम मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करना है, कैलकुलेशन पार्ट करके आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कौन कर पाता है इसको, आप इसको घर जाके दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और इसको खुद से करके लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हुए हैं वो आप घर पे दोबारा रिवाइज करें, और कोई डाउट होता है तो कल आते ही अगली क्लास में सबसे पहले आप अपना डाउट पूछेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।